राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं भी रही हूँ, कॉमिंग वगैरह, और बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल। तो सुबह में मतलब इतना बिजी रूटीन, बिजी लाइफ रहता है, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल कॉम वगैरह करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आराम से मैं अपने बालों को करूँगी। और आज मैंने बहुत दिनों बाद ना ये मैंने ब्लैक साड़ी, येलो साड़ी पहना हुआ है और अच्छी लग रही है। जब थोड़ा दिनों बाद पहने ना तब थोड़ा अच्छा लगता है। और इसका कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिल्क कपड़े की साड़ी है। तो मैंने आज बहुत दिनों बाद इसको वियर किया और चलिए भी कर लेती हूँ, कॉमिंग तो बना लेती हूँ और अब आराम से ये काम जो है तो करूँगी। क्योंकि अभी दोपहर का खाना बनाने के लिए तो हो गया, सभी को इधर उधर अपने अपने काम भी चले गए, कोई जल्दी तो है नहीं। तो आराम से लंच अब दोपहर को बनेगा ताकि जब सब खाने का टाइम होगा तब भी गर्मा गर्म सब अपना खाएँ पियेंगे। और यहाँ पे भी मेरा काम धाम भी सब हो चुका है। और मैंने कुछ सोफा के कवर भी धुले हुए थे तो उनको भी डालना है। तो चलिए फिर चलते हैं छत की तरफ कॉम्बिंग करके। सो गाइज, मैं छत में आ गई हूँ, देख सकती हूँ आप लोग कितना ज़्यादा धूप किया हुआ है। तो आज बहुत दिन सोच रही थी सुबह कवर वगैरह डालने के लिए, लेकिन आज मैंने सोचा चलो आज कर ही देती हूँ, बहुत दिन से सोचे हुए आज कर ही डालते हैं। और बस यहाँ पे मैं सुबह कवर वगैरह सब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, डेली यूज के कपड़े भी हैं। और चलिए तो बने रहिएगा वीडियो को, मुझे ज़्यादा लंबी नहीं है। तो नमस्कार राधा राधा, कैसे आप लोग हो? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और देख सकते हैं धूप कितना तेज़ी से किया हुआ है। अभी का टाइम हो रहा है 11 बजे का और अभी मैं यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आज धूप किया ना, तो आज मैंने सोफा के सारे कवर निकाल के धुल दिए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें सीलन वाली बदबू आ रही थी। और बस हॉल वाले रूम करें तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था सोफा, क्योंकि छोटे बच्चे ही होते हैं ना, तो छोटे बच्चे पैर वगैरह पोछने का काम ही नहीं, बस अंदर बार करते हैं और बस कूद के सोफा बैठना और बिस्तर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीलन वाली बदबू आ रही थी। मैंने इनको धुल के डाल दिया है और अब जा रही हूँ, अब बनाऊँगी मैं दोपहर का खाना, दाल और चावल बनाऊंगी क्योंकि सब्जी और रोटी तो सुबह मैंने बना ली थी, क्योंकि इनको भी जाना था दुकान और बच्चों लोग को भी स्कूल जाना था। तो लंच वाला सभी का काम हो जाता है, लंच सभी का हो जाता है और मेरा भी हो चुका है एक बार का, लंच नहीं सॉरी नाश्ता। और ये देखिए बहुत से भाई लोग पूछते हैं, बहन लोग पूछती हैं कनेर का पौधा कौन सा होता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ इस कनेर के पौधे के बारे में। ये देखिए ये ऐसा होते हैं इनके पत्ते, ये देखिए इनके लिप्स आप देख सकते हैं और ये देखिए इसमें फ्लावर निकल रहे हैं। और ये फ्लावर किन के चढ़ता है ये भी बताऊंगी आपको, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ठीक है। तो ये ना ये तो 12 महीना ये वाला फूल निकलता है, लेकिन जब ये बरसात का पानी पा जाता है ना तो बहुत ही हरी, ये देखिए इतना बढ़िया सा ग्रीनरी हो जाता है। तो ये हमने छत के गमले पे लगा के रखा हुआ है और ये पानी पड़ते ही बरसात का देखिए कितना बढ़िया सा सुंदर सा हो गया है हरियाली। और इसमें ढेरों फूल निकलते हैं, अभी गमला में ज़्यादा जगह नहीं है उसी हिसाब से फूल देता है। और ये फूल किसके चढ़ता है? तो ये पीला फूल जैसे गणेश जी को बहुत पसंद है उनके चढ़ता है, और गुरु देव जी को, बृहस्पति देव जी को बृहस्पतिवार के दिन इसी फूल की पूजा होती है, इसी फूल से भगवान की पूजा होती है, भगवान को चढ़ता है खासकर यही वाला फूल कनेर का। और इसी की आम के टेरी की जगह इसी की टेरी बना के रखा जाता है। तो ये तो रहा भैया कनेर के फूल का बात। और ये देखिए कनेर का बीजा, ये देखिए ये है कनेर का बीजा। फूल के बाद ना कुछ दिन बाद फिर ऐसे निकलने लगते हैं ये बीजा, इसके अंदर से एक गुटई टाइप से निकलती है। और ये देखिए थोड़ा सा लचक गया है इधर, लेकिन अभी नहीं तोड़ रही क्योंकि इसमें फ्लावर वगैरह निकल रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और कनेर का मतलब 3 प्रकार का कनेर भी होता है, पीला होता है, पिंक होता है और वाइट भी होता है ना, 3 प्रकार का होता है। लेकिन ये वाला हमारे विष्णु जी को और बृहस्पति जी को, गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये वाला फूल। और जो कोई ज़मीन में लगाते हैं तब तो भर भर के फूल देता है। और गमले में, अब गमले के हिसाब से जितनी मिट्टी खाता है उस हिसाब से फूल भी निकलते हैं, जितने इसके डंठल निकलेंगे कि जितनी मतलब ये कनखा निकलेंगे जितना ज़्यादा ये फूल वगैरह देगा। तो ये देखिए 2-3 फूल यहाँ पर अभी निकलने वाले हैं, बाकी मैंने 8 से 10 फूल निकले थे तो मैंने तोड़ लिया है। तो ये है, ये देखिए कनेर का पौधा। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे जिनको पता नहीं है कनेर के पौधे के बारे में। चलिए चलते हैं नीचे और धूप करेगा तो ये सूख जाएंगे।